2020 महिंद्रा थार को लॉन्च हुए अब काफी टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी महिंद्रा इसको टेस्ट कर ही जा रही है, जहां पर हमें ये पता चल पाया है कि शायद से महिंद्रा इसके एक नए कन्वर्टेबल हार्ड टॉप वेरिएंट को टेस्ट कर रही है। और कुछ टाइम पहले एक न्यूज रिपोर्ट से ये भी सामने आया था कि महिंद्रा थार में हमें एक टर्बो पेट्रोल प्रो इंजन भी ऑफर कर सकती है, और रिसेंटली इसको टेस्टिंग के दौरान स्पाई भी किया गया, जिसके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अगर आप थार और बाकी गाड़ियों से जुड़े कंपैरिजन रिव्यूज देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फिर 2021 महिंद्रा थार की नई स्पाइड इमेजेस की बात करते हैं। इस स्पाइड इमेज में आप थार के रियर एंड को देख सकते हैं, जिस पर एमिशन टेस्टिंग किट फिटेड दिख रही है, जो कि इस बात को दर्शाती है कि महिंद्रा थार में एक नया अपडेटेड इंजन ऑफर कर सकती है। और अगर लीक्ड रिपोर्ट्स की माने तो ये नया इंजन और कोई नहीं 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन हो सकता है, जो कि हमें नई XUV500 में मिलेगा। और थार में ये 190 PS की पीक पावर और 380 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, जो कि सेम है 2021 XUV500 के टर्बो पेट्रोल इंजन के पावर आउटपुट की तरह। लेकिन थार में इस इंजन को महिंद्रा टर्बो पेट्रोल प्रो इंजन के नाम से ब्रांड करेगी, क्योंकि ऑलरेडी थार में हमें यही टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, लेकिन एक लोअर स्टेट ऑफ ट्यून में। चलिए अब इसकी दूसरी स्पाइड इमेज की बात करते हैं। इस स्पाइड इमेज में आप इसके रियर एंड को क्लोजली देख सकते हैं, जहां पर हमें इसकी रियर विंडस्क्रीन पर लगे हुए स्टिकर के बारे में क्लियरली दिख रहा है। इस स्टिकर पर आप पढ़ सकते हैं कि ऑन टेस्ट बाय ARAI है प्रिंटेड, जो कि इस बात को कंफर्म करता है कि ये स्पाइड थार ARAI के एमिशन टेस्टिंग किट के साथ टेस्ट की जा रही है। और ये इस बात को भी कंफर्म करता है कि महिंद्रा थार के एक नए वेरिएंट को इस साल लॉन्च कर सकता है, लेकिन अब वो कन्वर्टेबल हार्ड टॉप वेरिएंट होगा या फिर टर्बो पेट्रोल प्रो इंजन वाला वेरिएंट, वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। तो ये तो होगी 2021 थार की स्पाइड इमेजेस की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड इंजन गेयरबॉक्स कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। 2021 थार में हमें दोनों पेट्रोल और डीजल इंजन के ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें से एक इंजन होगा 2 लीटर एम स्टैलियन टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 150 PS की पीक पावर और 320 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ 2021 थार में हमें 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स के ऑप्शंस मिलेंगे। और दूसरा इंजन होगा 2.2 लीटर एम हॉक टर्बो डीजल इंजन, जो कि 130 PS की पीक पावर और 320 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ भी हमें सेम 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स के ऑप्शंस मिलेंगे। और अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो 2021 थार में हमें 2 लीटर एम स्टैलियन टर्बो पेट्रोल प्रो इंजन का ऑप्शन भी मिल सकता है, जो कि मैसिव 190 PS की पीक पावर प्रोड्यूस करेगा, जिसके साथ हमें सेम गेयरबॉक्स के ऑप्शन भी मिलेंगे। यही सेम इंजन हमें 2021 XUV500 में भी मिलने वाला है। तो ये तो होगी 2021 थार कन्वर्टेबल हार्ड टॉप वेरिएंट के इंजन गेयरबॉक्स कॉम्बिनेशंस की बात। चलिए अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। थार कन्वर्टेबल हार्ड टॉप वेरिएंट में हमें हैलोजन हेडलैम्प्स, हैलोजन फॉग लैम्प्स, LED DRLs, 18 इंच अलॉय व्हील्स, LED टेल लाइट्स, कन्वर्टेबल हार्ड टॉप, 7 इंच टच स्क्रीन सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, मैनुअल AC, मैनुअल डे नाइट IRVM, डिजिटल MID, लेदर रैप गियर नॉब, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो MID एंड क्रूज कंट्रोल्स, 8-way एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रियर फ्रंट फेसिंग सीट्स, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर वाइपर, वॉशर और डीफॉगर वाले फीचर्स मिलेंगे। सेफ्टी में इस नई थार में हमें डुअल एयरबैग्स, ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर्स और हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम वाले सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। तो ये तो होगी 2021 थार कन्वर्टेबल हार्ड टॉप वेरिएंट के फीचर्स की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड प्राइसेस और एक्सपेक्टेड इंडिया लॉन्च की बात करते हैं। महिंद्रा 2021 थार को 13 लाख से 14.5 लाख के बीच प्राइस कर सकती है, और इसका एक्सपेक्टेड इंडिया लॉन्च इस साल के फर्स्ट क्वार्टर के एंड में है,
और लॉन्च होने के बाद ये अपकमिंग फोर्स घुरका एसयूवी के साथ डायरेक्टली कम्पीट करेगी। तो ये थी मेरी तरफ से अपकमिंग 2021 महिंद्रा थार से जुड़ी एक और अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी ही वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।